खबर फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। देखिए, फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने बाजी मार ली है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-4 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं दूसरे मुकाबले में लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन के साथ नीदरलैंड्स को हराकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके बाद फैंस में खुशी की लहर। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 4-3 से शिकस्त दी। दोनों ही मुकाबले बेहद ही रोमांचक रहे। जीत हार का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। अब क्रोएशिया और अर्जेंटीना की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ होंगी, यानी आमने सामने। और दोनों ही टीमों के बीच सेमीफाइनल 13 दिसंबर को रात 12:30 बजे खेला जाना है। देखिए, दो तस्वीरों को रख रहे हैं। क्रोएशिया में जश्न है, वहीं ब्राजील में मातम का माहौल है, क्योंकि क्रोएशिया ने ब्राजील को शिकस्त देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कई बार के चैंपियन रह चुके हैं ब्राजील की टीम। ब्राजील फेवरेट टीम में से भी एक थी इस बार, लेकिन वो बाहर अब हो गए हैं टूर्नामेंट से। उसके बाद से फैंस काफी निराश, मातम का माहौल, लेकिन क्रोएशिया में जश्न का माहौल, कहीं खुशी कहीं गम। और साथ ही अर्जेंटीना भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अर्जेंटीना की तरफ की अगर बात कर ले तो लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन किया, पेनल्टी शूटआउट में गोल दागे। और ये देखिए जरा, एक बार सुनिए जरा शोर, ये खुशी की आवाज है। ये है फीफा विश्व कप का जादू खुमार, क्योंकि यहां पर अर्जेंटीना भी पहुंच चुकी है, क्रोएशिया भी पहुंच चुकी है, ब्राजील बाहर हो गई, और अब 13 तारीख को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है।